हाथरस में पीड़िता के घर पर इस वक्त प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी टीम पहुंची है, जिसमें के कहा यह जा रहा है कि गुड़िया के घर पर आईजी, डीआईजी, कमिश्नर ने जाकर के पीड़ित परिवार से हालचाल जाना है। घर पर सुरक्षा का भी जायजा लिया गया है, पीड़ित परिवार से सुरक्षा को लेकर के जानकारी भी ली गई है। और इस बीच में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद में निरीक्षण किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने हाथरस के पीड़िता की सुरक्षा, पीड़िता के परिजनों और घर वालों की सुरक्षा को लेकर के जो कदम उठाए, उनकी समीक्षा करने के लिए आईजी, डीआईजी, कमिश्नर ने वहां पहुंच करके हालचाल जाना। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से कुछ ही पल पहले जब वहां पर ये टीम पहुंचती है, जिसमें कि आईजी और डीजी, ये सारे के सारे अधिकारी शामिल होते हैं, चूंकि आज ही पर घर में वहां पर हाथरस के पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करके इस वक्त का ये जायजा लेते हुए तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, इससे पहले सीसीटीवी कैमरे घर पर लगाए गए, घर के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, ताकि कौन वहां पर आ रहा है, कौन जा रहा है, किन लोगों की मुलाकात हो रही है, किस तरीके की गतिविधियां, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रह सके और वहां पर सब कुछ कैमरे की नजर से महफूज हो सके। चूंकि इस बीच में बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ कि किस तौर पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई थी, इसीलिए एहतियाती कदम के तौर पर ये सारे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था या किसी भी तरह की कोई ऐसी अनहोनी सामने ना आ सके। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि हाथरस में पीड़िता के घर पर इस वक्त प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस स्तर पर एक बड़ा दल, एक बड़ी टीम जिसमें उच्च स्तरीय अधिकारी मौजूद हैं, घर पर पहुंच करके सुरक्षा के साथ साथ में तमाम उन चीजों का जायजा लिया, जिसका खदशा जताया जा रहा था कि कोई अनहोनी ना वहां पर हो, किसी किस्म की अव्यवस्था ना हो, कोई अराजक तत्व तो वहां पर पहुंच करके कोई उत्पात न मचा सके या फिर किसी साजिशकर्ताओं की तरफ से रचने वाली साजिश कामयाब ना हो सके। इसीलिए ये बड़ी खबर इस वक्त हाथरस से जुड़ी हुई, जहां पर बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारियों का ये दल इस वक्त वहां पर पहुंच करके वहां की स्थितियों का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए इस वक्त देखा जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो तीन महत्वपूर्ण बातों को लेकर के सवाल किए थे उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि इस बीच में पीड़िता और पीड़िता के परिजनों से जुड़े हुए सुरक्षा को लेकर के किस किस्म के कदम उठाए गए हैं, तो सुरक्षात्मक कदम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की थी और इसीलिए यूपी सरकार से सवाल भी किया था कि इसका जवाब दाखिल किया जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि R9 टीवी पर, जिसमें वो सारे के सारे उच्च अधिकारी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र प्राशर हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार से पूछा था कि सुरक्षा के मापदंडों को किस तौर पर वहां देखा जा रहा है, उन तीन सवालों के साथ इस वक्त वहां क्या चल रहा है? जी, इस वक्त वहाँ मौके पर आईजी, डीआईजी सुरक्षा का जायजा लेने आए हैं, जो आज सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो देख रहे हैं और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पीड़िता के घर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही वो सब ये देख रहे काम में आए हुए हैं। देवेंद्र, आज ही चूंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, इसलिए माना यह जा रहा है कि सुरक्षात्मक कदमों को और ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पर उठाया जा रहा है। जी, निश्चित रूप से उठाया जा रहा है और काफी सीरियस है प्रशासन, अब कोई किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है, इसलिए उच्च अधिकारियों ने वहां का दौरा किया है और खुद डीआईजी और आईजी सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। देवेंद्र, इस वक्त वहां की स्थिति कैसी है, क्योंकि अब तक कल तक जैसा कि हम देख रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं का जमावड़ा वहां पर, समूह वहां पर पहुंच रहा था, अब स्थिति वहां पर शांत है या अभी भी कुछ वैसा ही चल रहा है? नहीं, स्थिति तो शांत है, बिल्कुल खामोशी है, क्योंकि काफी पुलिस अभी भी तैनात है। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि परिजनों के सुरक्षा तो दी गई है, उसके अलावा उसके घर पर भी तमाम फोर्स तैनात किया गया है, महिला पुलिस अलग से तैनात की गई है, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो इस वजह से शांति बनी हुई है और अधिकारी बार बार इसी का जायजा ले रहे हैं कि कहीं कोई अनहोनी न हो। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र।